आप सब लोग खैर खैरत से हो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे मेरा दरख्वास्त है कि वो चैनल सब्सक्राइब करो, बिल का बटन भी दबाना था कि मेरा आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। कराची में जितने बुरे अच्छे हालात है, शुरू से किस तरफ से आए, यहाँ किस तरह मोहब्बतें थे, मोहब्बतों का शहर था, रोशनियों का शहर था, तो आप हमारे साथ आई लव कराची। मैं यहाँ पैदा हुई। मैं 3 बरस का था जब हम यहाँ पर आबाद हुए। मेरा बचपन रिवर राफ्टिंग। हम यहाँ जवान हुए। हम इन गलियों में खेलते थे। दिन चाहे कितना भी गर्म हो, रात को ठंडी हवा चलती थी, इसीलिए तो सारे मुल्क से लोग आकर यहीं पर बसते थे। और सब मिलजुल कर रहते थे। यहाँ कोई सिंधी बोलता था तो कोई बलोची, तो कोई गुजराती, तो कोई हिंदो, कोई पश्तो या उर्दू या पंजाबी। मेरी गली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो।
बंगाली एडिलेड या ब्रिटिश एडिलेड, तो ये सब वो लोग हैं जो कभी या किसी सोच में जुबान तफरीक नहीं है। ये सबको बराबर का इंसान समझते थे और सबको कराची का शहरी समझते थे और कराची को अपना मानते थे। तो इस तरह से ये कराची की बुनियाद थी और इसीलिए इस शहर को रोशनियों का शहर कहते और सब उसकी शब्द
लुट गई वो जहर हो गया, वो शहर लुट गया, वो शहर सो शहर जिससे हमको बहुत प्यार था। लेकिन ये सब क्यों कर दिया और कैसे हुआ? कोई देखने वाला नहीं था क्या? देखने वाला आपका मतलब है कि सियासत आ हमारे लीडर? बिल्कुल ठीक कहा, सब कसूर हमारे लीडरों का है। बिल्कुल हाँ हाँ, कसूर तो है हमारे लीडरों का और सियासतदानों का, मगर उनको लीडर बनाया किसने भाई? हम सब लोगों ने ना। तो इसका मतलब है ये जो सारी गड़बड़ है इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हाँ बिल्कुल, सारी गड़बड़ के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो क्या ऐसे माहौल में बंदर रोड से खेवाड़ी वाला गीत नहीं गाते थे? हाँ, बंदर रोड से खेवाड़ी वाला गीत गाते तो थे, लेकिन अब उस गीत के अल्फाज कुछ बदल चुके थे। बंदे हो जो देखो खेलो ना तुम जान पर।
Bye-bye.